हाय गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर आप लोगों का मैं रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यह हमारा आपका बहुत प्यारा सा एक खूबसूरत सा चैनल है। हम आप चाहते हैं कि हम आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री और बायोलॉजी सीख रहे हैं और आप सभी लोग भी इस चैनल को जो आप नए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें। अभी देखिए, हमने कल के वीडियो में आपको हमने अलैंगिक जनन का कितना प्रकार का टाइप्स होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स हुआ करते हैं, उसका मैंने एक बहुत ही विधिवत आपको एक पूरा चार्ट के रूप में मैंने आपको दे दिया था। और जो ये हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जान लीजिए ये जरूरी नहीं है कि आपके इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए ही है। अगर आप आगे चल करके ग्रेजुएशन किया करते हैं, नीट का एग्जाम दिया करते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए ये सब यूजफुल है और बेनिफिशियल है। तो आप सब लोग इस आने वाले टाइम में बढ़िया तरीके से यहाँ पे रहें और बढ़िया तरीके से इस लेक्चर्स को सुने और कॉपी में उसके आगे इसको नोट्स बनाने का कार्य करें। तो यहाँ पे हम आपको बताया किया करते हैं, मेरी बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो बहुविखंडन है, मैंने कल आपको देखिए इसके पहले वाले चैप्टर में द्विविभाजन वाला पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है, आज हम बहुविखंडन के बारे में आपको बताएंगे। बहुविखंडन की अगर हम बात किया करते हैं तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, बहुविखंडन, बहु माने होता है अनेक, विखंडन माने होता है बंटवारा या भाग। मतलब कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में क्या हुआ करता है, जो संतति जीवधारी हुआ करता है उसका शरीर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, बहुविखंडन में कह रहा हूं, बहुविखंडन का मतलब होगा कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जो जनक जीवधारी हुआ करता है उसका शरीर क्या हुआ करता है, अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और जो उससे शरीर से जो बने हुए अनेक छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते हैं, उन सभी अनेक छोटे छोटे टुकड़ों से क्या हुआ करता है, बाद में फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आया किया करती है, उतनी नई संतति कोशिकाएं क्या होती हैं, बन जाया किया करती हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, बहुविखंडन। क्या नाम रखा गया है, बहुविखंडन, जान लीजिएगा। तो यहां पे आप देखिए मैंने नोट्स में भी लिख रखा है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव अनेक, जो पैरेंट से हुआ करता है वह अनेक छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाता है, अनेक खंडों में विभाजित होकर के अनेक संतति कोशिका जो पेरेंट्स आपकी से होती है वो कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड होती है, जिससे कई संतति कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण करता है। ये बहुविखंडन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जो जनक जीव होता है वह अनेक छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और जिससे अनेक संतति कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ये बहुविखंडन है आपका, जान लीजिएगा। और इसके अंतर्गत क्या है आपका, एग्जाम्पल्स अमीबा। क्या एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है, अमीबा। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है वो आपका क्या है, प्लाज्मोडियम। अमीबा सब लोग आप लोग जानते हो, अमीबा एक कोष के जीवधारी होता है जिसको आप लोग एक तरीके से प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया है। प्लाज्मोडियम आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो हुआ करता है ये भी आपके प्रोटोजोआ संघ का ही प्राणी है। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को आप लोग याद रखिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण क्या हुआ करता है, हमारे आपके शरीर में एक बहुत भयंकर बीमारी होती है, आगे चल करके हम जब रोग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी बताएंगे। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये, इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण क्या होता है, मनुष्य में एक रोग होता है और उस रोग को हम लोग कहते हैं मलेरिया। देखिए हम आपको इसी के साथ एक नॉलेज और दे रहे हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण क्या होता है, मनुष्य में मलेरिया रोग होता है। काफी लोग सोचते होंगे कि मलेरिया रोग मच्छर के कारण होता है, नहीं, जो मलेरिया रोग हुआ करता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। और उस रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का काम क्या किया करती है, वो मादा एनोफिलीज होल करती है। इसीलिए यहाँ पे दो चीजें आपको बताई जाएंगी, वहां पे एक होता है रोग जनक और एक होता है रोग वाहक। तो जो रोग उत्पन्न करता है उसको रोग जनक कहते हैं, और जो उस रोग के जो पैथोजेंस होते हैं उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाता है, उसे हम क्या कहा किया करते हैं, आप रोग वाहक कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो रोग जनक होता है मलेरिया रोग का, और जो आपका क्या हुआ करता है,
आपकी जो मादा एनोफिलीज मच्छर हुआ करती है वो आपकी मलेरिया रोग की क्या होती है, रोग वाहक होती है। आपको मलेरिया रोग में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जीवन चक्र पढ़ाया जाएगा, एग्जाम में बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिएगा। तो ये इतनी बात बता दिया मैं आपकी जानकारी के लिए जो आगे आपको मिलने वाला है, इसलिए एक साथ हम कई चीजें आपको प्रोवाइड किया करते हैं, आपको बता रहे हैं। फिर अमीबा में मैंने बहुविखंडन का एक एग्जाम्पल्स आपको बताया है, तो आप अमीबा के बारे में ध्यान दीजिए। अमीबा प्रतिकूल दशाओं में, प्रतिकूल और अनुकूल दो दशाएं होती हैं। प्रतिकूल दशा का मतलब होता है कि जब जीवन के लिए दशाएं उचित ना हो, जैसे उसको पानी की कमी हो गई, भोजन की कमी हो गई, उसको डिफेंस करना पड़ रहा है अपने जीवन के लिए, तो उसको हम प्रतिकूल दशा कहते हैं। प्रतिकूल दशाओं में सर्वप्रथम समस्त कूटपाद, अब ये कूटपाद क्या होता है, कूट माने होता है असत्य, पाद माने पैर, मतलब कि अमीबा के शरीर पर क्या होता है, असंख्य छोटे छोटे उपभाग पाए जाते हैं जिसे कूटपाद कहते हैं, और उसी की सहायता से वो गति करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, अमीबा का जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो कूटपाद होता है। तो अमीबा के क्या होता है, सबसे पहले वो अपना कूटपाद को नष्ट कर लेगा। अब जब नष्ट कर लेता है तो उसका आकार कैसा हो जाता है, गोलाकार। सबसे पहले वो क्या किया जाता है, अपने कूटपाद को नष्ट करके एक गोल आकार का क्या होता है, वह हो जाता है, और जिसके कारण उसका केंद्र क्या हो जाता है, मध्य में एकत्र हो जाता है। भाई आप जानते हो, मैंने बार बार कहा अलाइजन में आपको खास तौर से याद रखिए कि इस चीज को जानते हो, न्यूक्लियस को। तो केंद्रक आप देखिए, ये आपके अमीबा का स्ट्रक्चर है, यहाँ इसका ये न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ एक क्या होती है, एक सुरक्षात्मक आवरण बन जाती है, जिसको हम लोग सिस्ट या परिकोष्ठक हिंदी में कहा करते हैं। ये जो चारों तरफ इसके आवरण बना है, इसको सिस्ट या परिकोष्ठक कहते हैं। ये क्या किया करती है, इसको इस वातावरण से बचाने का कार्य करती है। अब ये सिस्ट इतनी मजबूत होती है कि अब आप देखिए इसके कई लेयर धीरे धीरे बन जाया किया करते हैं। यहाँ पे देखिए इसी सिस्ट के कई लेयर बन गए हैं, और फिर इसका जो न्यूक्लियस है, मैंने कहा था बहुविखंडन है, तो अब न्यूक्लियस क्या हुआ करता है, इसका कई छोटे छोटे भागों में क्या हो जाया किया करता है, विभाजित हो जाता है या डिवाइड हो जाया किया करता है इसका न्यूक्लियस, आपका जान लीजिएगा। और फिर जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, तो जो ये सिस्ट हुआ करती है, ये बीच बीच के स्थान से क्या हो जाती है, ब्लास्ट कर जाती है, फट जाती है। इसलिए इसको तारे जैसे मैंने दिखाया, कटी फटी आपको, तो ये फटी हुई परिकोष्ठ या सिस्ट है ये। और जब ये फ्लाक देखिए, यहाँ से ऐसे बीच बीच स्थान से क्या हो जाती है, ये ब्लास्ट हो जाती है। और जब इसके ब्लास्ट हो जाने से कारण क्या होता है, जो ये आपका इसमें न्यूक्लियस था वो क्या हो जाता है, यहाँ से फिर डिवाइड हो जाता है, और उसी न्यूक्लियस के कारण क्या हो जाता है, फिर आगे चल करके नई संतति आपकी पुत्री अमीबा को स्कैन बन जाती है। तो एक दो तीन बहुत संख्या में क्या हो जाती है, बन जाती है। तो इसीलिए इस विधि को हम लोग क्या कहा किया करते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। आगे देखिए लिखा है, एकत्र हो जाता है तथा उसके चारों ओर एक प्रोटीन की सुरक्षात्मक परत एकत्र हो जाती है। ये जो सिस्ट होती है, किससे मिलकर के बनी होती है, प्रोटीन से। प्रोटीन से बनी सुरक्षात्मक परत एकत्र हो जाती है, जिसे सिस्ट कहते हैं। और जो अनुकूल दशा, अब सिस्ट तब तक बनी रहती है कि जब तक उसको सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती रहती, तब तक वो सिस्ट बनी रहती है। और जैसे ही अनुकूल दशा आती है, वह सिस्ट क्या हो जाती है, जल का अवशोषण कर लेती है। भाई अमीबा जलीय प्राणी है, तालाब में ये आपका पाया जाता है, तो वैसे ही क्या किया करता है, जल को अवशोषित कर लेगी और ये फिर फट जाती है। ये जो डायग्राम है, यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये जल को अवशोषित करके क्या हो जाती है, करती है, फट जाती है। और फिर जो इसका ये न्यूक्लियस है, ये आप देखे देगी, मैंने बताया था आपको कि जो इसका न्यूक्लियस है, वो केंद्रक है, वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिससे अनेक संतति अमीबा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या कर दिया, बहुविखंडन पढ़ा दिया, और बहुविखंडन के अंतर्गत मैंने केवल आपको किसका बताया, मैंने अमीबा का एग्जांपल बताया। बहुत अच्छी तरीके से इसका नाम से ही आपको ये पूरा समझ में आ जाना चाहिए। डायग्राम आप बनाइए और इसको कॉपी में नोट्स लिखिए। अगली जो विधि है अलैंगिक जनन की, दूसरी विधि, तो ये तीसरी विधि है जिसको हम लोग मुकुलन या बडिंग कहा किया करते हैं। मुकुलन या क्या कहा किया करते हैं, इसको बडिंग के नाम से जाना किया करते हैं। अब मुकुलन या बडिंग क्या है, मैंने इस चीज को कल भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, वहां पे बताया था, लेकिन आप यहां पे फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं पूरी बात आपको एकदम समझा दे रहा हूं, समझ लीजिए। मुकुल माने होता है कली, बड, और मुकुलन एक प्रक्रिया है, और ये निम्न स्तर के जंतुओं में होता है, जंतुओं में हाइड्रा होता है, और पेड़ पौधों में अगर हम बात करें तो ईस्ट होता है, ईस्ट कवक है, और जंतु जो है वो हाइड्रा है। हाइड्रा आपका नाइडेरिया संघ का प्राणी है, उसमें ये पाया जाता है मुकुलन। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। और ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी है,
अगर चाहें तो हाई स्कूल वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जंतुओं में हाइड्रा में होता है और पेड़ पौधों में किसमें होता है, ईस्ट में, आपके दो जुधारियों में हुआ करता है ये आपका जो कौन सा रिप्रोडक्शन, मुगुलन। तो इस विधि में क्या होता है, जब जुधारी को रिप्रोडक्शन करना होता है तो उसके शरीर पर क्या हुआ करती, भोजन को एकत्र करता है और फूड मटेरियल को एकत्र करके उसके शरीर पर आउटग्रोथ बनती है, अतिवृद्धि के कारण एक छोटा छोटा सा उभार बन जाता है। जैसे कभी आप पेड़ में देखे होंगे साइड में से निकल आया किया करता है, मनुष्य के भी शरीर में क्या होता है, आउटग्रोथ होने के कारण आपके कैंसर वो जो ट्यूमर वगैरह होती है सेल्स में बनती है, तो उसके कारण भी होता है अतिवृद्धि के कारण ही अनियमितता। कैंसर का मतलब होता है कि कोशिकाओं की अनियमितता। तो एक छोटा सा मुकुल बनता है जिसको बड कहते हैं, और बाद में उस मुकुल में क्या होती है, पेरेंट सेल की न्यूक्लियस डिवाइड होकर के चली जाती है और जिसके कारण वो फिर धीरे से मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और एक संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए इस विधि में जनक जीव के शरीर पर जो पेरेंट्स है उसके शरीर पर अतिवृद्धि, अधिवृद्धि, अतिवृद्धि के कारण एक क्या होता है, गोल सा उभार बन जाता है। एक छोटा सा क्या हुआ करेगा उभार, ये देखिए ये आपका क्या है जनक, ये हाइड्रा है, ये क्या है आपका जनक हाइड्रा है और ये इसका हाइड्रा का क्या होता है स्पर्शक, ये जान लीजिएगा। और ये हाइड्रा की बॉडी है, इसी की सहायता से स्पर्शक की सहायता से हाइड्रा गति करता है। और आप जान लीजिएगा हाइड्रा के इसी स्पर्शक में ही क्या होता है, एक बहुत ही जहरीला पदार्थ पाया जाता है, उस जहरीले पदार्थ का नाम क्या होता है हिप्नोटॉक्सिन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा दंश कोशिका 11th में। तो ये हाइड्रा की जो आपकी स्पर्शक होती है उसी में हिप्नोटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ पाया जाता है, और उस हिप्नोटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ के कारण ये अपने शत्रुओं को क्या करता है अचेत करने का काम करता है और इससे गति भी करता है। तो ये दो काम करता है, लोकोमोशन में भी और शिकार पकड़ने में भी सहायता करता है। तो देखिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा के शरीर पर एक क्या होता है इसे छोटा सा यहाँ पे क्या होता है उभार होता है, और इसी छोटे से उभार को हम लोग क्या कह देते हैं मुकुल, या क्या कह देते हैं बड कह देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ करता है, थोड़ा सा ये मुकुल क्या हो जाता है वृद्धि किया करता है। तो यहाँ पे दिखाया क्या गया है मुकुल के आकार में क्या बताई गई है ये वृद्धि। अब ये मुकुल क्या करता है अपने आकार में क्या करता है वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के बाद देखिए अब यहाँ पे अगले स्टेप में दिखाया गया है वही है थोड़ा भाई, अब रिप्रोडक्शन करना है तो फूड इकट्ठा करता है और फिर ये देखिए स्पर्शक निकल आया किया करते हैं इसमें, और अब ये कैसा हो जाता है स्पर्शक युक्त, तो ये आपका क्या है मुकुल, स्पर्शक युक्त क्या है ये मुकुल, देखिए इसमें स्पर्शक आ जाते हैं टेंटिकल्स, और फिर आपका क्या हो जाता है यहां से ये जो स्पेस है यहां से क्या हो जाता है ये जनक जुधारी से अलग हो जाता है और ये फिर आपका क्या बन जाता है संतति हाइड्रा, ये जो आपका बन जाता है ये क्या बन गया आपका संतति हाइड्रा का क्या हो जाता है निर्माण हो जाएगा यह करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या किया मुकुलन की पूरी प्रक्रिया को समझा दिया। चित्र के नीचे लिख दीजिएगा आप लोग हाइड्रा में मुकुलन, क्या लिखेंगे हाइड्रा में मुकुलन की पूरी प्रक्रिया आपको मैंने क्या कर दिया यहां पे बता दिया। तो इस तरीके से द्विविभाजन और द्विविभाजन के बाद आज मुकुलन को सही बहुविखंडन और विभवविखंडन के बाद आपको क्या मैंने बता दिया मुकुलन बता दिया, और अब मुकुलन के बाद कल आपको हम बताएंगे चल ओ सॉरी बीजाणु जनन, और बीजाणु जनन मैंने पहले ही बताया था वो थोड़ा ब्रॉड भी है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए ठीक है, अब आप लोग इसका नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।